नाजरीन, द लोकल जर्नलिस्ट हेडलाइंस में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं शमसुद्दीन। आज की 10 अहम खबरें। लद्दाख में वजीर आजम ने फौज की तारीफ करते हुए कहा कि फौज ने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का पैगाम दिया है। यूपी में अब गुंडाराज, कानपुर में मुलजिम को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डीएसपी के साथ 8 पुलिस वालों की मौत। 6 से 13 जुलाई तक लगातार प्रोटेस्ट, 21 जुलाई को वर्चुअल मेगा रैली। 2021 में हैट्रिक के लिए टारगेट प्लानिंग, ममता बनर्जी का तैयार। बीजेपी की मिस गाइड मुहिम के खिलाफ बूथ बेसिस पर तृणमूल एमपी एमएलए को काम करने का ममता का सख्त हिदायत। राइटर्स में कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर हलाक किया। बगैर मास्क वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, होम सेक्रेटरी मगरबी बंगाल। बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी कोरोना वायरस से अफेक्टेड। न्यूजीलैंड, मस्जिद पर हमला करने वालों को मौत की सजा। 50 नमाजियों को शहीद करने वाले ऑस्ट्रेलिया के शहरी को 24 अगस्त को दी जाएगी फांसी। पाकिस्तान, सिख यात्री मुसाफिर को ले जाने वाली वैन हादसे का शिकार, ट्रेन से टकराई, 20 की मौत। दिल्ली एनआरसी में फिर जलजला के झटके महसूस किए गए, लोगों में खौफ का माहौल। कोरोना को हराने वाला पुलिस अफसर इखलाक अहमद ने किया अपना प्लाज्मा डोनेट, दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी 31 जुलाई तक बढ़ाई गई। मॉर्निंग वॉक के लिए दिलीप घोष को इको पार्क में दाखिल होने से रोक दिया गया। तृणमूल हुकूमत खौफ फैलाने की सियासत कर रही है, सही वक्त पर इंतकाम लिया जाएगा, दिलीप घोष का बयान। स्कूल फीस को लेकर गार्जियन का प्रोटेस्ट जारी, स्कूल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कोरोना अपडेट्स, मुल्क में कोरोना से अफेक्टेड लोगों की तादाद 649,889 के पार, रिकवर 394,319। द लोकल जर्नलिस्ट की कोरोना वायरस से बचने की मुहिम। व्यूअर्स और देशवासियों से द लोकल जर्नलिस्ट की अपील, ताकि हम रहें महफूज और पूरी तरह सेफ। कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ अवेयरनेस ज़रूरी है। कोरोना वायरस से दहशत ज़्यादा ना हो, ना घबराएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, गैर ज़रूरी सामाजिक, कारोबारी, मजहबी, खेलकूद के प्रोग्राम में ना जाएं, लोगों से मिलते वक्त हाथ ना मिलाएं, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, अपने इलाके में सफाई का ख़ास ख्याल रखें, चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज़र से अच्छी तरह वॉश करें। अगर आप खुद को बीमार, खांसी, बुखार या सांस लेने में दुश्वारी महसूस करें तो फौरन हेल्थ सेंटर और डॉक्टरों से कांटेक्ट करें। ऐसा करने पर आप भी पूरी तरह सेफ रहेंगे और दूसरों को सेफ रखने में मदद करेंगे। खबर को देखने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के YouTube को सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक एंड शेयर करें।